हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज मैं एज यूजल, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम से अगर कोई एग्जाम डेट मुझे पड़ता चलता है या कोई न्यूज़ होता तो आप लोगों को देते रहता हूँ। आज बिहार दरोगा प्री से रिलेटेड ही न्यूज़ लेके आया हूँ। देखिए, आप लोग सभी को पता था कि जो दरोगा 2020 में अगस्त में हम लोग का फॉर्म निकला था, सितंबर तक उसका लास्ट डेट था 2020, ठीक है। उसका प्री का टेंटेटिव डेट सभी को पता है, उसका प्री का टेंटेटिव डेट क्या था? 14 फरवरी। ये जो फरवरी 14 फरवरी है वो उसका प्री का टेंटेटिव डेट था, लगभग मार्केट में हल्ला था। अब ये 14 फरवरी को होगा कि नहीं होगा, यही मैं क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। सब लोग गांव से आ रहे हैं, तो गांव से आ तो रहो तो बहुत अच्छा करो या बैठ के पढ़ाई करो, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो 14 फरवरी टेंटेटिव डेट था हम लोग का बिहार दरोगा प्री का, उस डेट में एग्जाम नहीं होने जा रहा है। आपका लगभग कुछ कुछ कारणों से लगभग 2 महीने का दरोगा प्री का डेट बढ़ गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि दरोगा प्री का एग्जाम होने का संभावना अप्रैल मंथ में है 2021। कब होगा भाई? अप्रैल मंथ 2021। तो आपके पास 2 मंथ है, 2 महीने है तैयारी करने के लिए। बहुत अच्छी खबर है, बुरी नहीं। वैसे बच्चे को जिसकी तैयारी नहीं थी, तो पूरा का पूरा इफिशेंसी के साथ, ठीक है, अभी से लग जाइए और इस बार दरोगा निकाल के आप दिखाइए। क्योंकि आपको करना क्या भाई, ये हमेशा मैं बार बार करता हूं कि सिस्टम से भी लड़ना है आपको, अपने कॉम्पिटिटिव के साथ सिस्टम से भी लड़ना है। तो उसके लिए क्या करना, आपको 80+ पी में सोचिए कि हमको 80+ स्कोर करना है, ताकि आप सेफ जोन में चले जाइए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब अप्रैल महीने में है और आपके पास 2 मंथ में है, तो किस पोर्शन में सबसे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। क्योंकि आप लोग इस लूसेंट पढ़ते हैं, स्पीडी पढ़ते ही हैं, तो आप लोग की तैयारी अच्छी रहती है, आप लोग सेट भी मारते हैं। अब मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, जो आप करके जाइएगा तो दरोगा प्री में आपको होने का संभावना पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। देखिए, पहला, आप रिवीजन अच्छे से करें 2 मंथ में साइंस, ठीक है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में क्वेश्चन फंसाता है, 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, वो उसको भी आप कर ले, साइंस इकोलॉजी और एनवायरमेंट। उसके बाद क्या, पॉलिटी संविधान, उसको अच्छे से पढ़े और थोड़ा प्रैक्टिस उसका करके जाए। चौथा हम लोग का है करंट अफेयर, करंट अफेयर। ये 4 टॉपिक एक ऐसा पोर्शन है जो बच्चों से गलत होता है, अगर इसे आप अच्छे से पढ़े, रिवीजन करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं साइंस नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने शुरू से स्टार्ट किया था, 2-3 लेक्चर डाले हुए हूं भी। मैं आपको साइंस सुबह मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाइए। 1-2 दिन में मेरे पास जैसे सिस्टम सारा चीज अरेंज हो जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, उससे बाहर आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे वो दरोगा, चाहे बीबीएससी, चाहे रेलवे या अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वो एकदम निफिक्र हो जाइए, ठीक है। अब एक बात और मैं बोलूंगा, देखिए इसमें दरोगा में वो बच्चे कम्पिटेटिव, भाई हम सारे बच्चे बढ़ते, इंजीनियर हो, बीएससी ग्रेजुएशन वाले हो, या फिर सॉरी ग्रेजुएशन तो हम लोग का ही है, मतलब साइंस वाले भी पढ़ते हैं, आर्ट वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आर्ट का थोड़ा मैथ कमजोर होता है, वो जीके बेस पे होता है। आजकल जो दरोगा में है 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैथ का प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि मेंस में तो मैथ पूछेगा ही, मैथ से रीजनिंग, तो क्यों ना थोड़ा मैथ का प्रैक्टिस कर ले, कि जो 4-5 जो हम लोग का गलत होता है वो हम लोग का नहीं हो। और उसमें आपको सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ के जाना है, परसेंटेज, ठीक है, रेलवे और वर्क टाइम, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इतने टॉपिक आप 4-5 बार डिवीजन करके चल जाएगा, और आप तो पढ़ते तो है ही है, इससे आपको दरोगा में होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लगभग दो महीने के बढ़ गया है, आपको अप्रैल में होगा, तो यू हैव 2 मंथ, ठीक है। चलिए, ये खबर आपको मिल गया, थैंक यू। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन करेगा तो आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।